बीजेपी पार्टी, वो जनता ने इरादा दिया, उनके हालात ये हैं कि वो गांव में नहीं घुस सकते, गांव में नहीं जा सकते। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अगर आप अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद करोगे तो मैं अपने घर में क्यों आने दूंगा? उन्होंने दिल्ली के रास्ते किसानों के लिए बंद करे, आज उन्होंने यहाँ पर जब आए हैं तो किसानों ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए। अगर जनता ही रास्ता बंद कर देगी तो जनता से बड़ा कोई दावेदार नहीं होता। अलग होके लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और के सिंबल से लड़ेंगे तो गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी पे लगता था, कल को आपके लोग आप पे भी लगा सकते हैं आरोप, वो बताएं आप। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये जब भी निकाल कर देख लेना, अगर मैं सांसद बना तो कोई भी रिजर्व बैंक ने ऐसा नोट नहीं छापा जो पुनिया साहब को खरीद सके। तो देखिए, लगातार कई राज्यों का चुनाव कवर करने के बाद हमारी टीम पहुंची है कल पानीपत में। पानीपत के लोगों का क्या माहौल है, यहाँ के प्रत्याशियों का क्या माहौल है, वो तमाम आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं एक अहम शख्सियत के साथ, जिन्होंने खुद इस दौड़ के अंदर अपने आप को शामिल कर लिया है। हालाँकि ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं के ज़बानी लाखों करोड़ों लोगों तक इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, पूरा परिचय क्या हुआ जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। आप मीडिया का धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। आप लोगों को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आजाद सिंह पुनिया और यहाँ से एमपी कैंडिडेट हूँ, और मुझे बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट बनाया गया था, परंतु वहाँ इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या हुआ। कहाँ से, कौन सी पार्टी से? बीजेपी, संत युवराज की पार्टी है, भारतीय जनजागृति पार्टी से मेरे को कैंडिडेट बनाया गया था, परंतु वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कुछ कागजों की वजह से कुछ आजाद उम्मीदवार घोषित कर दिया। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं मैदान से हटा नहीं, मैं मैदान में लड़ूंगा। अच्छा, निर्दलीय उन्होंने घोषित कर दिया, निर्दलीय घोषित कर दिया, तब की 10 आदमियों में फैल जाते हैं कम से कम, वो मेरा बताते भी ये कमी है कागजों में। वो कभी बाद में उन्होंने जब आधे घंटे के अंदर ही पहले बीजेपी का पोर्टल पर डाला, उसके बाद आधे घंटे के अंदर ही उन्होंने मेरे को आजाद उम्मीदवार घोषित कर दिया। परंतु कई लोग दिल तोड़ लेते हैं, मैं दिल तोड़ने वाला नहीं हूँ। हमने निर्भय होकर इस मैदान में उतरे और हम इस फाइट को लड़ेंगे। अच्छा, अभी आप निर्दलीय हैं तो अभी यानी कि जो एक सिंबल का आपको सपोर्ट था वो भी आपके पास से हट चुका है, अगर देख कहा जाए तो? नहीं, सिंबल हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का निशान था उसमें, पार्टी का भी और सिलेंडर का निशान दे दिया गया, परंतु पार्टी का नाम हटा दिया गया उसमें। अच्छा, नाम हटा दिया गया और सिंबल दे दिया है? सिंबल पार्टी का ही दिया है। हाँ, सिंबल पार्टी का दे दिया। ठीक है, तो अच्छा, ऐसे में जो संत युवराज जी हैं उनका सपोर्ट, उनकी टीम का, कार्यकर्ताओं का किस तरह से आपके साथ? उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने, मैंने पूछा था कि संजी कैसे हुआ ये आज़ाद कर दिया, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे को कहा कि पुनिया जी, इसके हटना नहीं है, आपने पूरी फाइट करनी है और मैं आपके साथ। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये एक लंबा टाइम रहा है आपका एक्सपीरियंस कांग्रेस के साथ, आपके पारिवारिक संबंध रहे, सेवाएँ रही हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद आपके परिवार के व्यक्तित्व की बात करें तो शायद आज़ादी के समय से ही, उस लड़ाई से ही कहीं ना कहीं आपका जो है परिवार संघर्ष कर रहा है। तो फिर आपने खुद अपनी पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर, जो आज पूरे में कैंपेन हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, तमाम मोहब्बतों की दुकान, मोहब्बतों की दुकान में नफरत के बीज किसने बो दिया जो आप छोड़कर वापस आ गए? ऐसा कांग्रेस के लिए मैंने बहुत काम किया और काम करते रहे, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, परंतु कांग्रेस के अंदर ही ये 2-3 धड़े बन चुके हैं, कांग्रेस इन पर काबू नहीं कर पा रही है। अच्छा। कभी शैलजा ग्रुप है, कभी हुड्डा ग्रुप है, कभी तंवर ग्रुप है, कभी कोई ग्रुप आगे खड़ा हो जाता है, इससे कार्यकर्ता परेशान है। कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस को ही हराता है। अच्छा। इसलिए कांग्रेस से ये था कि ऊपर के जो हमारे खड़के साहब हैं या राहुल गांधी जी रहे, उन्होंने कभी भी इसको कहा भी है बार बार कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, परंतु यहाँ के लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा। दो गुटबाजी से परेशान होकर हमने कांग्रेस को छोड़ दिया है, और हम संत युवराज जी जो निर्भीक होकर बोलते हैं उनसे विचार मिले और बीजेपी ज्वाइन किए। अच्छा पुनिया साहब, एक हमेशा से आरोप रहा है मुस्लिम नेताओं पर, आपको नहीं लगता कि आरोप आप पर भी सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि आज आपको लगता है कि बीजेपी की अल्टरनेट पार्टी कौन सी है या कौन विपक्ष में अभी हरा सकता है बीजेपी को देश के अंदर, देश के नज़रिए से बताएं? देखिए, ये तो जनता से हार चुकी है, जो पार्टी इस समय लोग थी, स्टैंड कर रही थी,
बीजेपी पार्टी, वो जनता ने इरा दिया, उनके हालात ये हैं कि वो गांव में नहीं घुस सकते, गांव में नहीं जा सकते। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अगर आप अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद करोगे तो मैं अपने घर में क्यों आने दूंगा? उन्होंने दिल्ली के रास्ते किसानों के लिए बंद करे, आज उन्होंने यहाँ पर जब आए हैं क्यों तो किसानों ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए। अगर जनता ही रास्ता बंद कर देगी तो जनता से बड़ा कोई दावेदार नहीं होता। जनता से डेमोक्रेसी है, इसलिए जनता ने दरवाजे बंद कर दिए तो उनको जनता ही हराएगी। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बातें भी आपको अच्छे से याद रहती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्हीं अच्छा बोलने की वजह से आप बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदरूनी फ़ायदा पहुँचा देंगे? अगर आप जो अलग होकर लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और के सिंबल से लड़ेंगे, तो गठबंधन को नुकसान पहुँचा रहे हैं आप, यानी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगता था, कल को आपके लोग आप पे भी लगा सकते हैं आरोप। नहीं, जो ऐसा है कि मुझे, मैं दलित समाज से आता हूँ, मुझे अपनी बात रखनी थी और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं पूरे दलित समाज से कहता हूँ कि जो एकता और अखंडता को और जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं उन लोग, उस पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी है, परंतु ये जो बीजेपी सरकार है अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने हिंदू मुस्लिम को किया, दलितों के साथ लड़ाई करी, और जहां हमारी मनीषा बहन थी, आथरस के अंदर जो कांड हुआ, रात को 2 बजे के अंदर पेट्रोल डालकर जला दिया गया, वो एक वाल्मीकि समाज से थी, दलित समाज से थी, उसका मुझे बड़ा दुख था। मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए था और मैं आज अपने मन से कह रहा हूँ इस बात को कि मैं जो ये हमारे साथ हो रहा है पीड़ित, ये उस सरकार में, यूपी की सरकार में मोदी जी ने कभी भी उनके बारे में 2 बारी नहीं बोला, और हमारे साथ जो मणिपुर के अंदर कांड हुआ, हमारी बहनों को नंगा कर दिया गया, उसके बारे में भी 2 शब्द नहीं प्रधानमंत्री तो जी ने बोला। नाराजगी, आप कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनकर निकालना चाहते हैं बीजेपी से? हाँ बिल्कुल निकालेंगे जी, जब हमारी बहनों को, माँ बहनों को नंगा कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के पास है नहीं कि मणिपुर जाकर उनके सातवन देते, मणिपुर जलता रहा और वो दिल्ली के अंदर बैठकर जो अपनी शासन चलाते रहे, तो प्रधानमंत्री का कार्य। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरा सवाल जो है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक कि जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी पे हमेशा से आरोप लगते रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया बैरिस्टर ने, कि इस बार लोकसभा के अंदर कैंडिडेट ही नहीं उतारा उत्तर प्रदेश में, ताकि विपक्ष को, गठबंधन को कहीं ना कहीं मजबूती मिल सके। शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी से तो MIM थोड़ी सी मजबूत पार्टी है, तो क्या आपको नहीं इस तरह से कोई एक मजबूत निर्णय लेना चाहिए था देश हित में? हम निर्णय ले चुके हैं, हमने, हमारी पार्टी मजबूत है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उसके लिए तैयार हैं लड़ने के लिए। ये नागपुर की पैदाइश है जो खड़े हैं, और नागपुर से जो भी कोई भी आकर, जो खट्टर को कोई जानता नहीं था, जिन लोगों ने संघर्ष किया उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, खट्टर को 10 साल मुख्यमंत्री बना दिया गया, योगी जी को कोई उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, योगी को पहले जो प्रथम बने थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने नागपुर की जो उनकी सोच है वो पूरे देश को और शांति को भंग कर रही है। लोकसभा में यदि पहुंचते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है आपकी लोकसभा की जनता का, जिस तरह से मैं आपकी वीडियो देख रहा था और तमाम मैंने क्षेत्र के अंदर भ्रमण किया, और जिस तरह से आप लोग, आप चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं अपने लोकसभा के अंदर, कि एक मजबूत कैंडिडेट की तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो अगर आपको जनता के ने, पानीपत की जनता ने, आपकी लोकसभा की जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया, तो आपका क्या एक सोच है, क्या रोल है, क्या अहम भूमिका रहेगी जो है वो पार्लियामेंट में पहुँच के? देखिए, पार्लियामेंट एक सांसद का काम होता है कि अपने ज़िले की आवाज़ को उठाना और साथ साथ पूरे देश की आवाज़ को उठाना। हम गरीबों की, किसानों की, दलितों की, महिलाओं की, बच्चों की, मुस्लिमों की, सभी वर्गों की, समाज की आवाज़ संसद के अंदर उठाना चाहेंगे। हमारे यहाँ SC/BC की ज़मीन थी जिस पर कि चौधरी चांदराम ने कॉलेज बनाने की सोची थी, वो 1984 की बात थी, चौधरी भजनलाल ने किया था। आज कुछ लोग यहाँ के सांसद और कुछ लोग मिले हुए हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जो घिनौना काम हो रहा है, दलितों के और SC/BC की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी CBI जाँच होनी चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि, ताकि ये राजनीति में आकर लाभ उठाते हैं। ऐसे सांसदों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, भरोसा है कि CBI जाँच निष्पक्ष होगी? हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी कोई लोग SC/BC की ज़मीन को दबाना चाहते हैं, वहाँ कॉलेज था, कॉलेज बनना चाहिए, कॉलेज शिक्षा का क्षेत्र होता है। अगर हमारी SC/BC की ज़मीन को किसी ने दबा दिया और इस प्रकार से काम किया, तो उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। ज़मीन है वो 16 एकड़ के करीब है। 16 एकड़ ज़मीन? हाँ जी, आज वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है, भू माफियों ने और इनकी सांसद की जो उसकी देख रेख के अंदर वो काम हो रहा है। अच्छा, वो भी 1972 में लिखी गई होगी?
सन 84 के अंदर की बात है जी। हाँ, और उसका उद्घाटन भी किया था चौधरी जलाल ने। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, इंदिरा जी के टाइम में जो है वो ज़मीन आवंटन की गई थी दलित समाजों को, और कुछ उस पर जहाँ मुझे अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन आवंटन की गई थी कि उस पर किसी और समाज की, जो प्रॉपर उसी समाज को दी गई थी, तो उस तरह के कागजात भी होंगे आपके पास, जाहिर सी बात है। चलिए, वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन आपने ही अपना, ये बड़ी बात है। अच्छा, एक मेरा अहम सवाल ये भी है कि मौजूदा राजनीति, जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि मौजूदा राजनीति और मौजूदा सत्ता जो है उसका जो एक आधार है, वो अहम आधार कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर है। लेकिन मेरा एनालिसिस पर्सनल ये भी है कि आरोप तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो वही काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कहती है वो बीजेपी से डराती है। मुसलमानों को कांग्रेस किससे डरा रही? बीजेपी से डरा रही। और बीजेपी हिंदुओं को किससे डरा रहे? मुसलमानों को डरा रहे। तो क्या लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की तस्वीर और राजनीतिक तस्वीर बहुत शर्मसार है? आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें भांति भांति के फूल हैं, भांति भांति जाति के लोग हैं, भांति भांति भाषाएं हैं। राम एक सभी के हैं, 140 करोड़ जो लोग इस देश में बसते हैं, राम सभी के हैं। अगर राम सभी के हैं, अब किसी सरकार ने उसके लिए काम किया, कोई एहसान नहीं किया, किसी कार्यकाल कोई मुद्दे चलते रहते हैं, कभी किसी कार्यकाल में पूरे होते हैं, तो उसका ये नहीं है कि उसको राजनीतिक संतुलन बनाया जाए, क्योंकि राम सबके दिलों के अंदर रहते हैं। राम ने ही सबके शरीरों में अगर प्राण डालने हैं तो राम के अंदर कौन प्राण डाल सकता है? राम जो अयोध्या भूमि है, उनका सबसे बड़ा हाथ है वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज ने ही राम को लिखा। राम उसी दिन पैदा हुए जिस दिन उन्होंने राम लिखा था, रामायण लिखी थी। अब ये लोग उसी दिन पैदा हुए राम जब उन्होंने अपने कलम से लिखा था। हाँ, जिस दिन उन्होंने अपने कलम से राम लिखा, उसी दिन राम पैदा हो गए थे, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया। आज उनकी स्थिति देने है, आज उनके वो लोग कूड़ा कचरा उठाते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनके हितों की बात न सोचकर, उनके हितों की बात की जाए। आज वो बात करते हैं अयोध्या के राम की बात करते हैं, तो राम तो सभी के हैं। राम हम कहते हैं कि पूरे देश के राम। आपके जवाब बड़े विस्तार पूर्वक होते हैं, बड़े अच्छी नॉलेज है आपको, बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आप मुझे बताइए, जब आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से काफ़ी लंबे से जुड़े हुए हैं लोगों से, सभी समुदाय से, तो कहीं कुछ चर्चा में आता है कि जो है वो समुदाय जो है जातिवादी, कुछ इस तरह का मामला आता है कि यार हम इसको क्यों जो है वो आगे लेकर आएँ, या दूसरे समुदाय में बातचीत होती है इस तरह की? हाँ, बिल्कुल होती है। एक हमारे यहाँ कांड हुआ था, पानीपत की घटना है बिंजोल के अंदर, वो तीन कश्यप समाज के बच्चे थे, वो यहाँ पर वो फैक्ट्री के अंदर मैंने कवर की थी, वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद वो लोग अपने एजिटेशन के लिए यहाँ पर आए, और डीसी और पूरे प्रशासन ने 250 लोगों का ऊपर मुकदमे दर्ज किए, और उनके ऊपर उनके जो माँ थी, उनके बच्चों की माँ, उनको मारा पीटा गया। और यहाँ 250, अगर आज कश्यप समाज इस बात को समझता है तो ऐसी सांप्रदायिकता, ऐसे मनोहरलाल खट्टर को वोट ना देकर आज मौका मिला उनको अपने बच्चों का अगर बदला उठाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से बीजेपी को वोट देकर वो बीजेपी पार्टी को वोट दे, ताकि उनको मौका मिले। ये आपको कहां से, मोदी जी से तो नहीं मिली है बात आपको? उन्होंने कहा था कि भाई तुम शहीदों के नाम पे वोट डालो, पहला आप कह रहे हो उन बच्चों के नाम पे वोट डालो। नहीं, जो पीड़ित है, जो सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, जो उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और उनके मुकदमे दर्ज करने के बाद उनकी माताओं पे क्या गुजरी होगी, उस समाज पे क्या गुजरी होगी? 250 मुकदमे उनके ऊपर बांध दिए गए, क्या अपनी लोकतंत्र अपनी आवाज में दोबारा इस तरह से ना हो, उसके नाम पर कहीं ना कहीं, हाँ, उसके नाम पर वोट डाले जाए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। मैं शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो इन सरकार को अब जिताने का मौका है, अब उनको मौका मिला है। आपके क्षेत्र के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है, जहाँ कहीं भी आपकी लोकसभा के अंदर, तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों का नज़रिया आप देखते हैं आपके प्रति, या आपकी पार्टी के प्रति, आपकी सोच के प्रति, जिस तरह से आपने कहा कि मैं मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ, मैं दलित समाज के लोगों को, सैनिकों, सरदारों को, पंजाबियों को, ये तमाम कम्युनिटी को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, और संसद में जाके पार्लियामेंट में अगर आपको मौका मिलता आप आवाज़ भी उठाएंगे, तो अगर ये जो एक मुस्लिम समाज जो है वो हिंदुस्तान की हर राजनीति के अंदर
एक सबसे विशेष समुदाय रहा है, चाहे किसी ने इसको उठाने की बात करी हो या किसी ने ज़मीन में मिलाने की बात करी हो, लेकिन ये विशेष रूप से चर्चा में रहा है। आपका क्या नज़रिया है, आपका किस तरह से साथ मिलेगा या उन लोगों का क्या कहना, वो ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मुस्लिम समाज हमारा जो शहीदों के नाम आते हैं, इस देश की आज़ादी में उनका अहम योगदान रहा है और सभी वर्गों का योगदान रहा है, परंतु हमने इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ी है और आज भी। एक सेकंड स्टॉप कर लीजिए, क्या कहना चाहेंगे बताएं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कौन कौन आज़ादी में बहुत योगदान रहा है, वीर अब्दुल हमीद जो थे, 1965 की जो लड़ाई थी, जो अमेरिका के टैंक थे उनको तोड़ने में उन्होंने पूरा पूरा योगदान किया, 8 उनके पैटेंट टैंकों को तोड़ा गया, और अपने पैटेंट टैंक थे, जो दावा किया जाता था कि कोई इनको ध्वस्त नहीं कर सकता, उनको ध्वस्त किया था वीर अब्दुल हमीद ने, परंतु इस देश के लिए उन्होंने अपने शरीर को चितड़े चितड़े कर दिया। उनके बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं, ये सरकार भूल सकती है परंतु आम जनता नहीं भूल सकती, उनको अपने दिलों से नहीं निकाल सकती। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी मुस्लिमों के लिए कहा गया कि मुस्लिम जो है एक मोम की तरह हो जाता है, मोमबत्ती की तरह होता है, वो खुद दूसरों को रोशनी दे सकता है, खुद जल पिघल जाएगा, जल जाएगा, परंतु दूसरों को रोशनी दे के जाता है। तो आज आपको पुनिया साहब नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में मुस्लिमों की दयनीय हालत हो गई है? ये इसलिए है कि हमने गलत लोगों के हाथ में राज दे दिया। आज हम जिन लोगों को राज देना चाहते थे, ये डेमोक्रेसी है ना कि किसी के बाप की जागीर है, आज उन लोगों को हटाने का मौका आया, उन लोगों को हटाओ, उन लोगों को भगाओ और सांप्रदायिकता की जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, उनसे बचाने का आज मौका है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिरी और अहम सवाल, हाँ आप पहले रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो ऐसी जो लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो दलितों को देखना नहीं चाहती, जो मुस्लिमों को देखना चाहती, वो पता नहीं क्या चाहती हैं। सिखों से उनसे नाराज हैं, मुस्लिम उनसे नाराज हैं, दलित उनसे नाराज हैं, महिलाएं उनसे नाराज हैं, किसान उनसे नाराज हैं, वो पता नहीं कैसे 400 पार की बातें करते हैं, या तो उसमें से एक जीरो पीछे से टेगी, क्योंकि वो 40 में से बट कर रह जाएंगे, ऐसा मुझको लग रहा है। क्योंकि ये जो सरकार है ये ऐसी सरकार नहीं है कि जो सबको लेकर साथ चले, ऐसी सरकार को ध्वस्त करने में मैं अहम योगदान करें, और अपना जो मतदान है 25 मई को यहाँ पर जो होने जा रहा है, बड़ा सोच समझ कर मतदान करें, मैं सभी से ये अपील करता हूँ। अच्छा बिल्कुल, आपकी अपील हम जनता तक जरूर पहुँचाएंगे। आखिरी और अहम सवाल उसके बाद, अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारे लोकसभा का पेच फंस जाता है कुछ आप जैसे निर्दलीय सांसदों के ऊपर, आपको बीजेपी कहती है कि भाई आप 50 करोड़ रुपए लो पुनिया साहब और अपना समर्थन दे दो, क्योंकि ये हरियाणा वो है जहाँ पर ऐसा पहले हुआ है, है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली याद दिलाना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाखों करोड़ों व्यूअर्स के लिए आपके शब्द, तो पुनिया जी का क्या जवाब होगा ज़रा वो बताएं आप? मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जब भी निकाल कर देख लेना, अगर मैं सांसद बना तो कोई भी रिजर्व बैंक ने ऐसा नोट नहीं छापा जो पुनिया साहब को खरीद सके, वो बताएं आप। मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जब भी निकाल कर देख लेना, अगर मैं सांसद बना तो कोई भी रिजर्व बैंक ने ऐसा नोट नहीं छापा जो पुनिया साहब को खरीद सके। देखिए, हमें हमारा अंबाला का सफ़र था, हम बीच में रुके, एक प्लान स्ट्रेटजी आप तक पहुंचाई, क्योंकि पानीपत ऐतिहासिक भूमि रही है और ऐसे ऐतिहासिक लोगों को आप तक पहुंचाना, हम चाहते हैं कि एक इतिहास रचें हम भी। तो आपके प्यार, आपके स्नेह, आपके तमाम शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज का ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा, बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जो है कड़वे सवालों को बड़े मीठे तरीके से जवाब देने के लिए। धन्यवाद आपका भी जो आप पहुँचे हैं यहाँ पर। जी जी, और मेरी आवाज़ दलितों के, मुस्लिमों के, किसानों के, महिलाओं के, बच्चों के, सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान प्रगति करे, राष्ट्र तरक्की करे, ना कि तो ये प्रकार की लड़ाई लड़े जो आज इन्होंने नफरत की। आपको पुनिया जी, देखिए हमारा एक मीडिया का यही लक्ष्य होता है कि अच्छा नेता, अच्छा व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के बीच रहबर की भूमिका निभाए। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, पानीपत।